हर मंथ फीमेल्स का पिट्यूटरी ग्लैंड एक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है जो ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। जैसे ही ब्लड में एक उचित मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए, जो इन फॉलिकल्स के पास जाता है, इन्हें स्टिम्युलेट करता है एग को रिलीज करने के लिए। एग फेलोपियन ट्यूब में जाता है और इंतजार करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होकर निकल जाती है और नेक्स्ट पीरियड के लिए तैयार हो जाती है एक फीमेल। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है फीमेल में जिसमें फीमेल्स का पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे उनके ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स आसानी से एग को रिलीज नहीं कर पाते हैं और फॉलिकल्स में फ्लूइड भर जाता है जिसे सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट मल्टीपल होते हैं संख्या में, जो कि फीमेल्स के ओवरीज में देखा जा सकता है बाहर की तरफ से। ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी औरत को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होगा तो उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी इस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। ये हाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंसुलिन आपस में बाइंड होकर टेस्टोस्टेरोन बना लेते हैं, जो कि एक मेल हार्मोन है। ये हार्मोन कभी भी ओवरीज के फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट नहीं कर पाता है एग को रिलीज करने के लिए और इस कारण से फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से महिलाओं में मुहासों का आना, चेहरे पर बाल होना, मर्दों की तरह बाल झड़ना शुरू हो जाना, आवाज भारी हो जाना और मसल गेन करना, ये सब शुरू हो जाता है। ये फीमेल्स में बांझपन का सबसे बड़ा कारण है। अब ये कैसे हो जाता है अभी तक किसी ढंग से समझा नहीं गया है और माना जाता है कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। इन्हीं कारणों की वजह से इसका इलाज संभव नहीं है, बस इसे मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। और हाँ, कभी कंफ्यूज मत होना पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के बारे में। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से थोड़ा अलग होता है। ये लाइफस्टाइल और जीवन जीने के तरीके की वजह से गड़बड़ी होती है, जो कि परमानेंट नहीं होता है। ये PCOS ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है।